हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, एंड डांस भी इसमें होता है, डांस। तो ये डी होता है, इसके आगे डी भी जुड़ गया है। और कब कब ये सारी चीजें इसमें जुड़ती गई, इसका नाम किस तरह से चेंज होता गया, तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले ये थी एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर 1903 के अंदर इसमें इसका जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो गया, APA इसको अब बोला जाने लगा, अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन। फिर 1937 के अंदर इसमें हेल्थ को जोड़ा गया, तो नाम क्या हो गया इसका, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। फिर 1938 के अंदर इसके अंदर रिक्रिएशन को जोड़ा गया, ठीक है, इसमें मनोरंजन के बढ़ते हुए दौर को देखते हुए इसमें रिक्रिएशन को भी जोड़ा गया, तो नाम क्या हो गया, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इसका नाम हो गया। और फिर 1958 के अंदर ये टेस्ट बनाया गया, अफार यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है ये कब बनाया गया, 1958 में पॉल हंसिकर इनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया, पॉल हंसिकर। और क्यों बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटर फिटनेस के लिए इसको बनाया गया, मोटर फिटनेस को मेजर करने के लिए ये टेस्ट होते हैं। और इसके अंदर 7 टेस्ट आइटम या 7 टेस्ट बैटरीज रहती है, जैसे देखिए पुलअप्स है बॉयज के लिए, फ्लैक्स आर्म है गर्ल्स के लिए, स्ट्रेट नी सिटअप्स है, शटल रन, सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस है, स्टैंडिंग लॉन्ग जम्प, 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड रन वॉक होते हैं इसमें। लेकिन अब इसको रिवाइज किया गया है, लेकिन उस टाइम पर इसमें 7 टेस्ट आइटम बनाए गए थे, इनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 1974 के अंदर अब इसमें डांस को भी इंक्लूड किया गया, अहफर्ड अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, अब इसका नाम हो गया। फिर 1976 के अंदर अहफर्ड टेस्ट बैटरीज जो है वो रिवाइज की गई, किसकी यहाँ पर किसके द्वारा रिवाइज की गई, पॉल हंसिकर और गाय जी रिफ के द्वारा रिवाइज की गई, और इसमें जो टेस्ट बैटरीज थी उनको कम किया गया, अब इसमें सिर्फ 6 टेस्ट आइटम्स रहते हैं। फिर 1979 के अंदर इसका नाम अगेन चेंज हो गया, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस इसका नाम हो गया। फिर 2013 के अंदर 2013 में इसका नाम जो है वो फिर से चेंज हो गया, अब इसको क्या बोलते हैं, शेप अमेरिका के नाम से अब ये जाना जाता है, शेप अमेरिका यानी कि सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेटर, ठीक है, तो ये नाम इसका अब होता है शेप अमेरिका। इसमें हम आगे पढ़ेंगे अहफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके अंदर जो हमारी टेस्ट बैटरीज रहती हैं उनको हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि 6 टेस्ट बैटरीज इसके अंदर रहती हैं, इसमें जो सॉफ्ट वॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस था उसको हटा दिया गया, और कुछ ऑप्शन देखिए 600 यार्ड रन वॉक के साथ इसमें जोड़े गए, 1 माइल रन वॉक 10 to 12 एज के लिए, और 1.5 माइल रन वॉक है 13 ईयर एंड अबव के लिए, और 9 मिनट रन वॉक 10 to 12 ईयर के लिए, और 12 मिनट रन वॉक फॉर 13 ईयर एंड अबव के लिए। बाकी इसमें वही है, देखिए पुलअप्स फॉर बॉयज, फ्लैक्स आर्म हैंग गर्ल्स के लिए, स्ट्रेट नी सिटअप्स है, शटल रन है, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप है, और 50 यार्ड डैश इसमें है। अब सबसे पहले हम करेंगे पुलअप्स, बॉयज के लिए रहते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारी शोल्डर की, हमारे आर्म की मसल की यहाँ पर इंडोरेंस और स्ट्रेंथ को मेजर करना इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। और पुलअप्स को कैसे किया जाता है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल बार रहती है जिसकी हाइट जो है वो सबसे लंबा जो खिलाड़ी है उसके हाइट के अकॉर्डिंग इसमें लगाई जाती है। और इसमें देखिए इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल बार है इसके ऊपर लटका जाता है, इस तरह से इसमें देखिए ग्रिप किया जाता है, और अपने बॉडी को यहाँ से फिर इस बार के ऊपर लाया जाता है, ठीक है, अपनी चिन को इस बार के ऊपर लाया जाएगा, और उसी तरह से हम नीचे आएंगे और ऊपर जाएंगे, तो इस तरह से पुलअप किए जाते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारे पाँव है वो नीज है जो हमारे वो सीधे रहेंगे, पाँव को जर्क नहीं करना है, किक नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जर्क करना किक करना
और घुटने बैंड करना ये अलाउड नहीं रहता है। और जो भी यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट पुलअप करता है उसका यहाँ पर स्कोर किया जाता है। जो भी जितने ज्यादा यहाँ पुलअप लगाएगा बिल्कुल करेक्ट वो यहाँ पर मेजर किए जाते हैं। तो इस तरह से स्कोरिंग भी इसमें रहती है। और अगर कोई जर्क करता है पाँव को, नीज बैंड करता है या किक करता है, अपने जो हाथ है वो पूरे नीचे नहीं करता है, ठीक है, पूरा हाथ की एक्सटेंशन नहीं करता है पूरी तरह से, तो उसको यहाँ पर आधे आधे पॉइंट दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये पुलअप्स यहाँ पर होते हैं। और उसके बाद देखिए फ्लेक्स्ड आर्म हैंग क्या रहता है गर्ल्स के लिए, इस तरह से इसमें एक हॉरिजॉन्टल बार इसमें भी रहती है। और इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, आर्म की स्ट्रेंथ और शोल्डर मसल की, हमारी बाजू की इनकी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को यहाँ पर मेजर करना इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। ये गर्ल्स के लिए रहता है। इसमें हॉरिजॉन्टल बार रहती है, स्टॉप वॉच इसमें होती है, और इसमें टाइम जो है वो मेजर किया जाता है। जितने टाइम तक यहाँ पर इस पोजीशन को बनाए रखता है कोई खिलाड़ी तो उसका टाइम यहाँ पर नोट किया जाता है। तो इसमें भी देखिए एक बार पर इस तरह से लटका जाता है, चिन जो है वो इस बार के ऊपर रहती है। और इस पोजीशन को जो ज्यादा देर पर मेंटेन करके रहता है तो उसका टाइम यहाँ पर नोट किया जाता है। जो जितने ज्यादा देर इस करेक्ट पोजीशन में रहता है तो उसको उस तरह से पॉइंट दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें सिटअप्स, सिटअप्स के अंदर देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये होता है एब्डोमिनल और हिप की जो मसल होती है इनकी इंडोरेंस को मेजर करना। और इक्विपमेंट इसमें क्या रहते हैं, मैट रहता है और स्टॉपवॉच रहती है। तो इसमें खिलाड़ी जो है वो इस तरह से अपनी बैक के ऊपर लेट जाएगा और किसी दूसरे खिलाड़ी का भी यहाँ पर हेल्प ली जा सकती है ताकि ये जो पाँव है उनको पकड़ सके। और फिर वो क्या करेगा, खिलाड़ी यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, अपने हाथ जो हो गए खिलाड़ी के वो यहाँ बैक में अपने नेक के ऊपर रहेंगे। और खिलाड़ी जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ अपने शरीर को उठाएगा और अपनी एल्बो से नीज को यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा। और जितने ज्यादा जो यहाँ पर सिटअप लगाएगा सही तरीके से, ठीक है, तो 60 सेकेंड इसमें रहते हैं। जो 60 सेकेंड के अंदर जो करेक्ट यहाँ पर सिटअप लगाएगा उसका यहाँ पर स्कोर देखा जाएगा। तो इस तरीके से ये सिटअप्स रहता है। एक चीज इसमें और है ध्यान रखने वाली कि सिटअप्स करते टाइम जो खिलाड़ी है अपने एब्डोमिनल को यहाँ पर टाइट करके रखेगा, ठीक है, तो क्योंकि इससे एब्डोमिनल की और हिप की यहाँ पर इंडोरेंस को देखा जा रहा है, तो जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा टाइट करके खिलाड़ी रहेगा। और खिलाड़ी के जो पाँव है वो इस तरीके से, देखिए फीट जो है खिलाड़ी के वो यहाँ पर इस तरीके से रहना चाहिए, और हील टू हील जो डिस्टेंस है वो 12 इंच का रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है शटल रन। शटल रन का जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है एजिलिटी एंड स्पीड को मेजर करना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स चाहिए होंगे हमें, 2x2x4 इंच के ब्लॉक होंगे, और स्टॉप वॉच इसमें चाहिए और चॉक पाउडर, ठीक है, मार्किंग टेप, तो ये इक्विपमेंट इसमें रहेंगे। और इसमें दो पैरेलल लाइन जो है वो मार्क की जाएगी 30 फीट की, और जो यहाँ पर ब्लॉक रहेंगे वो लाइन के पीछे उनको प्लेस किया जाएगा। तो अब इसमें किया क्या जाता है, यहाँ पर देखिए दो जो ब्लॉक्स हैं हमारे पास इनको यहाँ पर लाइन के पीछे यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा। खिलाड़ी यहाँ पर दौड़कर जैसे ही खिलाड़ी को रेडी बोल दिया जाता है उसका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और खिलाड़ी जो है वो दौड़कर जाएगा अपने ब्लॉक्स को यहाँ पर उठा लेगा और दूसरी तरफ रख देगा, दौड़कर जाएगा और दूसरी तरफ ब्लॉक को रख देगा, और फिर अगेन यहाँ पर दूसरे ब्लॉक के लिए आएगा, उसको भी उठाकर दूसरी तरफ रख देगा। जैसे ही वो अपना दूसरा ब्लॉक रख देता है फर्स्ट लाइन के पीछे तो उसका टाइम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और उसको दो यहाँ पर ट्राई दिए जाते हैं, जो भी यहाँ पर जितनी जल्दी इन ब्लॉक्स को लेकर वापस दूसरी लाइन के पीछे रख देगा तो इस हिसाब से उनकी स्कोरिंग की जाती है। तो बेस्ट टाइमिंग जो रहेगी वो देखी जाती है, दो ट्रायल इसमें दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें शटल रन। फिर इसके आगे है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप क्या है, इसमें लॉन्ग जंप की ही तरह है लेकिन ये खड़े खड़े किया जाता है। अब लॉन्ग जंप के अंदर क्या है, खिलाड़ी जो है वो रन अप लेकर दौड़ कर आएगा और फिर यहाँ पर जंप कर लेगा, लेकिन स्टैंडिंग लॉन्ग जंप या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी इसको बोलते हैं, इसमें खिलाड़ी जो है वो खड़े खड़े ही
यहाँ पर जंप करेगा और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक वो जंप करने की कोशिश करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है थाइस की, पाँव की मसल की स्ट्रेंथ को, पावर को मेजर करना, एक्सप्लोसिव पावर को मेजर करना इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके लिए फ्लोर मैट चौक ये इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमारे पास एक टेक ऑफ लाइन यहाँ पर ले लेंगे और मैट या फ्लोर हमारे पास रहेगा या लैंडिंग पिट है हमारे पास, और टेक ऑफ लाइन के पीछे जो है वो खिलाड़ी इस तरह से खड़ा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक वो यहाँ पर जंप करने की कोशिश करेगा। जो पाँव उसके हैं पैरेलल रहेंगे और अपने पाँव को वो बेंड कर सकता है, अपने नीज को वो बेंड कर सकता है, और बेंड करते हुए वो यहाँ पर कूदेगा और जितनी ज्यादा दूरी तक कूदेगा तो वो उसका स्कोर रहेगा। और यहाँ पर खिलाड़ी को कितने चांस दिए जाते हैं, कितने ट्रायल दिए जाते हैं, 3 ट्रायल इसमें दिए जाते हैं। फिर है 50 यार्ड डैश। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमम स्पीड को मेजर करना, और इसके लिए स्टॉप वॉच चाहिए, फ्लैट सरफेस चाहिए दौड़ने के लिए। तो और इसमें 2 पैरेलल लाइन लगाई जाएंगी 50 यार्ड की। इसमें खिलाड़ी लाइन के पीछे इस तरह से खड़ा रहेगा और जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा रेडी गो का तो वो अपना रनिंग जो है वो स्टार्ट करेगा, उसका टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सके वो क्रॉस करेगा, फिनिश लाइन को यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश करेगा एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट वो दौड़ सकता है वो फिनिश लाइन को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे खिलाड़ी। और उनका टाइम नोट किया जाता है 10th of second में इनका टाइम नोट किया जाएगा, और जो भी खिलाड़ी जितने कम टाइम में यहाँ पर इस दौड़ को पूरा करेगा उस तरीके से उसकी स्पीड और स्पीड मैक्सिमम स्पीड को मेजर किया जाएगा। तो ये था 50 यार्ड डैश। फिर है 600 यार्ड रन वॉक। अब इसके लिए देखिए ऑप्शन भी दे रखे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कौन सी एज के लिए कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। हम पढ़ेंगे इसके अंदर 600 यार्ड रन वॉक के अंदर क्या चीज़ें हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मेजर करना, और इसमें हमारे पास ग्राउंड या 400 मीटर ट्रैक चौक या स्टॉप वॉच चाहिए, जिसमें हमारे पास 2 पैरेलल लाइन लगाई जाएंगी 600 यार्ड की यहाँ पर। और खिलाड़ी जो है अगेन इसमें देखिए जितना जैसे ही सिग्नल मिलेगा रेडी गो का और खिलाड़ी जो है वो 600 यार्ड की दूरी जितने कम टाइम में यहाँ पर दौड़ सकता है वो कोशिश करेगा, जितने कम टाइम में 600 यार्ड की दूरी को दौड़ेगा फिनिश लाइन को जितनी जल्दी क्रॉस करेगा तो उस हिसाब से उसकी यहाँ पर कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मेजर करने का ये तरीका है। तो स्कोरिंग उस हिसाब से की जाएगी। ठीक है, जो टाइम है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से उनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस का पता चलेगा। और स्कोरिंग देखिए इसमें रिकॉर्ड की जाएगी, 600 यार्ड रिकॉर्ड होगा मिनट्स में, सेकंड में इसको स्कोरिंग की जाएगी, टाइमिंग इसकी देखी जाएगी मिनट्स और सेकंड्स के अंदर। तो ये इसमें है 600 यार्ड। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन के लिए अगेन यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारे टेस्ट है पुलअप्स बॉयज के लिए, फ्लेक्स आर्म हैंग, स्ट्रेट नी सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस, 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड रन वॉक। तो ये जो टेस्ट है ये है हमारा अपर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कि 1958 में बना था। इसमें 7 टेस्ट बैटरीज थी। अब इसमें सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस जो है वो हटा दिया गया है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता था, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ द आर्म एंड शोल्डर मसल। ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर उसके आगे जो आफर टेस्ट है 1976 के अंदर जो इसमें चेंजेस रहे, तो 6 टेस्ट इसमें होते हैं जिसमें कि कुछ ऑप्शन भी दे रखे 600 के अंदर। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी ये था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे।